नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग है पेंटाकली तहसील मेकर जिला बुढ़ाना महाराष्ट्र प्रदेश में। यहाँ पर आदरणीय किशोर जी ढूंढ गए जो कि अधिव्याख्याता है, वकील है, और उनके घर में हम राधा कृष्ण की ये तस्वीर देख सकते हैं। घर का जो माहौल है पूरा धार्मिक है और ये लोग काफी दयालु लोग हैं और कभी भी किसी भी जीव की हत्या नहीं करते। पर्यावरण की दृष्टि से सांप महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वो सांपों को भी नहीं मारते। दोस्तों आज उनके घर में जब सांप निकला तो उन्होंने सर्पमित्र वनिता जी को यहाँ बुला लिया और एक भारी भरकम सांप को पकड़वा दिया। आदरणीय किशोर जी धोंडके सर के पूज्य पिताश्री है जिनको हम देख रहे हैं, माता जी है जिनको भी देख रहे हैं, और इनके घर में काफी बड़ा सांप था। ये मामा जी है और हमारी छोटी बिटिया है और खास करके ओजस भैया है और उनकी माँ है जो कि वकील साहब जी की धर्मपत्नी है। और दोस्तों ऐसे एक जिम्मेदार और पढ़े लिखे घर में जब सांप निकलता है, और एक फार्म हाउस है इनका यहाँ पर, और डरे सहमे से थे, बहुत ही डरावना दृश्य था। इतना बड़ा काफी बड़ा सांप पकड़ा है, उनके नजदीकी रिश्तेदार है, इन सभी लोगों से हम लोग जान लगे उनको कैसा लग रहा है। आदरणीय पिताजी आपको कैसा फील हो रहा है इतना बड़ा सांप पकड़ा गया आज? आज बहुत खुश हो गया खुश है कि अच्छा करके हमारे घर से सांप जा रहा है। कभी आपने इसके पहले इसको देखा था यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं देखा। अच्छा, आपने कभी नहीं देखा? नहीं, देखा नहीं था, आज पहली बार ही देखा था। चलो अच्छा हुआ पकड़ लिया। हम तो यहाँ पर दो तीन बार आए थे, पहले भी छोटे छोटे सांप पकड़ के ले गए, और ताई जी की प्रतिक्रिया हमने सुनी जब सांप पकड़ रहे थे। कैसा फील हो रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हाँ। बहुत बढ़िया, मारने की वजह कि उसको जीवदान मिल गया है। हाँ। किसी भी जीव की हत्या करना गलत है, चला गया वो। बिल्कुल, जीवो और जीने दो, अहिंसा ही परमो धर्म होता है, और बेवजह किसी की जान लेना बहुत खतरनाक चीज होती है। सांप उतने डरावने भी नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर हम इंसानियत से पेश आए तो हमारे मित्र ही है। डिस्टर्ब होते मग ते। दोस्तों नमस्ते, यहाँ पर हम लोग है पेंटर लगाओ बुढ़ाना महाराष्ट्र प्रदेश में। यहाँ पर हमारे आदरणीय एडवोकेट है किशोर जी ढोंगे सर, जिनके घर में बहुत ही भारी भरकम यहाँ सांप छिप गया है, और रात का समय है और एक खेती का और फार्म हाउस का एरिया है, यहाँ पर अक्सर सांप निकलते हैं। और बाजू में जो गाँव है वहाँ पर पेंट आखिरी प्रकल्प है, जो दो चार गाँव में वहाँ से पीने के लिए पानी जाता है और MIDC को भी पानी जाता है। बहुत ही भारी भरकम बुढ़ाना जिला का सबसे बड़ा जल प्रकल्प है, और दोस्तों इसकी वजह से यहाँ ठंडक रहती है, खेती का वातावरण है, और हमेशा सांप निकलते हैं। आज भी ऐसी घटना हुई है, एक भारी भरकम सांप हमेशा यहाँ दिखाई पड़ता था, आज घर में घुस गया, तो घर वाले काफी डरे सहमे से हैं और सांप को ढूंढा जा रहा है। सर्पमित्र वनिता जिनकी लगातार कोशिश हो रही कि सांप कहीं किसी कोने में जो सामान है, जो गैरेज जैसा सामान पड़ा है उसके अंदर हो सकता है, क्योंकि यहाँ चूहे को छिपने के लिए जगह है और बहुत सारे सांप चूहे की तलाश में घर के अंदर घुस जाते हैं। मिलने की तो संभावना है लेकिन सामान को निकाला जा रहा है, कहीं पर भी कैसी भी स्थिति में आ सकते हैं और हमने सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र में जहरीले सांपों की जो तादाद है वो कम है, कुल मिला के 52 प्रजाति है सांपों की, उसमें से 40 बिन जहरीली है और 12 ही जहरीली है, और जो जहरीली प्रजाति है उसमें केवल जहरीले सांपों के नाम चार, खोनस, फुरसे, नाग एवं मनियार, ऐसे चार ही सांप ज्यादा जहरीले होते हैं जो कि उनके अनाज की तलाश में, भक्ष्य की तलाश में अक्सर इंसान के घर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर पाइप का टुकड़ा आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जहाँ भी होल दिखता है उसमें सांप अपनी जगह बना लेते हैं। तो हर एक चीज को बारकाई से सर्पमित्र वनिता जी जो है देख कर, निरख कर, परख कर उसको बाजू में रखने का काम कर चल रहा है। दोस्तों बहुत ही सामान जो है बहुत पड़ा है, तो हो सकता है इसके अंदर सांप है और मिल भी सकता है, लेकिन खाली नीचे बिल नहीं चाहिए, अक्सर चूहे बिल बना लेते हैं। आवाज तो सुनाई पड़ रही सांप की, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है अंदर से।
काफी लोहे का खेती के औजार का सामान पड़ा हुआ है। मिटन में गैस ले चुके चूहे ने बहुत सारी कपास वहां पर लाके रखी है। कोने में ईंट भी है और वैसे भी हिडन प्लेस बहुत है, छिपने के लिए जगह बहुत है, तो सांप मिलने की आशंका ज्यादा है। कोशिश हो रही है कि घर के अंदर सांप घुसते समय देखा है मेंबर है और सबने तुरंत सरपंच बलजा जी को फोन कॉल करके यहाँ बुला लिया हमेशा की तरह। अभी तो सांप का नामो निशान नहीं है, फिर भी कोशिश हो रही है कि हो सकता है अंदर कुछ भी नहीं बोल सकते। ते मिटान मध्ये असेल तो मिल गया, मिल गया। बहुत भारी भरकम कोबरा है दोस्तों, यहाँ छिप चुका है। बहुत ही जबरदस्त, आप लोग देख सकते हैं। नहीं 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 कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आप रहने दीजिए। नहीं मैडम को पीने के लिए अच्छा पानी दो, आरोप घास लग गई, आप यहाँ पर आ जाओ, साइड में आ जाओ, फ्रेश हवा में जाओ, खुले हवा में जाओ, साफ लगेगा, जाओ आप जाइए खुले हवा में। ये यहाँ जो है ना मिर्च पड़ी हुई है और मिर्च का जो है धुआं चल रहा है, यहाँ चूहे ने मिर्चियाँ रखी है तो इससे सबको ढांस लग गई है, खांसी आ रही है जोर 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 से। यहाँ पर मिर्ची पड़ी हुई है और यहाँ बहुत सारा कूड़ा कचरा है और इसके अंदर जो है आप लोग देख सकते हैं कि कोबरा है, बड़ा काफी जबरदस्त है, काफी जबरदस्त है, कोबरा ही है। मानो जरा सादा भी रखो, मानो 500 डॉलर रखो बेटा। जो लड़के हैं वो एडवोकेट है लेकिन किसान है और ये फार्म हाउस है। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग यूट्यूब स्नेक फ्रेंड वनिता बुराड़े, द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू मंथ स्नेक रेस्क्यूअर एंड वर्ल्ड रिकॉर्डिस्ट, ओनली वन द एक्सपर्ट स्नेक लेडी ऑफ द वर्ल्ड स्नेक फ्रेंड वनिता बुराड़े हैव रेस्क्यूइंग द कोबरा एट पेंटागली स्टेशन मेकर डिस्ट्रिक्ट बुलढाणा इन महाराष्ट्र स्टेट। हियर इज द एडवोकेट किशोर ढोलगे सर हाउस एंड यू आर watching the big Indian strong cobra which is a hidden inside of the core of the cap of house and you are seeing a very complicated situation but Snake Friend the Borade now continuously doing her search operation and now she saw a very big snake which is the inside of this very strong, healthy and venomous snake, one of the dangerous cobra. Already in Maharashtra there are found the 52 snakes equally and the tail snakes are very venomous. The big four of Maharashtra, Russell Viper, Sasquatch Viper, Krait and Cobra. Cobra is a very fantastic, beautiful and very famous snake which is we are seeing already in a film and also in TV serials. There are many gossip about these snakes but in India the ornament of shoes. So many people are also praying the cobra in a respect of Shiva. A very healthy snake. You are seeing very big head of the snake, which is ready to very big cobra. Snake friend Vanita Borade successfully rescued it. You are seeing in this video very lengthy, strong, and healthy cobra, like as over the
7 feet. वेरी स्ट्रॉन्ग कोबरा बिकॉज दिस इज अ एग्रीकल्चरल फार्म हाउस. अब तो यहाँ पर खाने के लिए सांपों को बहुत चूहे मिलते हैं और खेती का वातावरण है, तो ऐसे वातावरण में तो सांप तो हेल्दी बन ही जाते हैं. काफी लंबा चौड़ा और जबरदस्त सांप है, आप लोग देख सकते हैं. फन फैलाए बिल्कुल काटने को तैयार. सर्प मित्र वनिता जी की कोशिश कि उसको बिल्कुल कुछ भी ना करते हुए आराम आराम के साथ बाहर निकाला जाए. दोस्तों कितना घर के अंदर जो है बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है और एक खेती के औजारों की एक रूम है जिसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ था. आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से. मैडम जी की कोशिश है कि सांप काफी काफी तंदुरुस्त सांप है और इतना बड़ा सांप जब घर में आता है तो डरना तो स्वाभाविक है सबका. दोस्तों हम लोग देख सकते हैं जबरदस्त फन फैलाए हुए बिल्कुल काटने को तैयार. और यह है स्पेक्टेकल कोबरा विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. मानव हरेल तो मी हरेल ना. दोस्तों रात का समय है. आदरणीय किशोर जी ढोंडे जो कि सुप्रसिद्ध अधिव्यक्ता है जो कि व्यवसाय से एडवोकेट है, वकील है और उनके घर में यहाँ फार्म हाउस है पेंटकली गांव में. काफी लंबा चौड़ा तंदुरुस्त और जबरदस्त कोबरा है जिसकी दहशत यहाँ पर थी. आज सर्प मित्र वनिता जी द्वारा इसको काट खाने को तैयार है और मैडम जी की कोशिश है कि उसको बिल्कुल आराम के साथ पकड़ा जाए. वहां पर जहाँ पर सांप पकड़ा वहां पर मिर्चियां थी और चूहे ने उस मिर्चियों के बुरे हाल किए थे, तो वहां पर थोड़ा सा वातावरण जो था कंजेस्टेड था और ऐसी स्थिति में मैडम जी को वहाँ सांस लेने को तकलीफ हो रही थी, घास लग गई थी और रात का समय है. इतना काफी जबरदस्त कोबरा एक हाथ से पकड़े हुए सर्प मित्र वनिता जी जो कि विश्व की प्रथम महिला सर्प रक्षक है. दोस्तों काफी जबरदस्त एकदम जबरदस्त कोबरा है. आप लोग लेन देख सकते हैं, हाथ से लेकर आप काफी देख सकते हैं लंबाई एकदम जबरदस्त. काट खाने को तैयार. टाइट करंट होता है जब इतना बड़ा काम आसपास में होता है. रुमाल दे नहीं खाता. रुमाल रुमाल दे जरा उधर उधर आता तो थे. एक प्लास्टिक जार के अंदर बहुत ही होशियारी के साथ पैक करने की कोशिश. लेकिन सांप जो सांप निकल आ रहा है एकदम जबरदस्त. आप देख सकते हैं रात का समय है. सर्प मित्र वनिता जी के हाथ में बहुत ही काफी जबरदस्त तगड़ा तंदुरुस्त है. We'll be right back.
देश में विकसित होता है वो सोच सकते हैं थोड़ा बहुत, और प्रतिकार के स्वरूप वो कभी भी हल्ला चढ़ा सकते हैं। बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है ऐसे सांप को पकड़ते समय, थोड़ी भी गलती हो जाए तो तुरंत कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका मुंह नीचे ही है और जहाँ पूछ होती है अक्सर सांप वहाँ अपना मुंह ला के रखते हैं, इसलिए जल्दी कोई भी हम एक्शन नहीं ले पाते। बड़ा ही तकलीफ दिया, फिर भी यशस्वी रूप से सर मित्र मेहता जी ने उसको प्लास्टिक जार के अंदर बरनी बंद कर दिया। अगरबत्ती छिद्र पड़ेगा, थोड़ा छेद करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैडम जी ने तुरंत यहाँ पर दाखिल होकर इतने रात के समय भी ऐसे शुरू से कोबरा को पकड़ लिया है। घर वालों का काफी डर जो है दूर हो गया, सांप काटने के बाद कुछ भी हो सकता था, काफी बड़ा सांप था। आदरणीय यहाँ के परिवारजन है किशोर जी ढूंढ के सर के कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा मामा उजड़ा का थोड़ा बोले मामा जी कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी बहुत। अनंत इंगले, अनंत जी इंगले सर, अच्छा आप यहीं पर रहते हैं? नहीं चिखले में रहते हैं। चिखले, किशोर जी कौन है? किशोर जी भांजा है। अच्छा अच्छा आपके भांजे हैं, हाँ। बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ मामा श्री क्योंकि आपने अगर कॉल नहीं किया होता और सांप ऐसा ही घर में रहता तो कुछ भी हो सकता था। यहाँ तो व्यवस्थित वाटता, कहीं टेंशन नहीं, कारण पण पहिले सगळे घाबरले होते खूप, सगळे जण विवांत झाले, मॅडमला फोन केला होता। Hello, bachche. How are you?